Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna 25,000 रुपए की अगर आपकी बजट है तो आज आपके लिए बढ़िया 5G फोन्स लाया हो जो आपको हम रेकमेंड करेंगे, जिनको आप अगर इंटरेस्ट रहेगा तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारे फोन्स होते हैं बट हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं, जिनको हम खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस करते हैं तो ही आपको बताते हैं। अलग अलग प्राइस कैटेगरी पर ऐसे वीडियो हम हर महीने लेके आते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अब सबसे पहला फोन जो मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है वो है iQOO का नियो 6 5G, जो कि 25,000 से काफी ऊपर था, अब आपको ये 25,000 की रेंज पर मिलता है। इसमें आपको फुल HD प्लस वाली एक E4 AMOLED डिस्प्ले मिलती है, ये 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। पंच होल डिस्प्ले बोलना पड़ता है क्योंकि आजकल इस प्राइस पर भी ब्रांड वाटर ड्रॉप देती है। एनीवे स्नैपड्रैगन 870 एक बढ़िया 5G चिपसेट है। वैसे आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी है, LPDDR4X UFS 3.1 है, 64 का रियर कैमरा जिसमें आपको OIS मिलता है, अल्ट्रावाइट सेंसर भी दिया गया है, 16 की सेल्फी है, 4700mAh की बैटरी, 80W की चार्जिंग, फन टच ओएस वगैरह पर चलता है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज 25,000 पर हो गया है। और इस पर अभी हमने जब चेक किया था तो 1800 रुपये का कुछ बैंक ऑफर्स भी दे रहे हैं, तो इसकी जो नेट इफेक्टिव प्राइस है वो 23,200 या कभी कभी 24 पर भी मिल जाता है, तो नॉट बैड। मुझे लगता है कि एक अच्छा पैकेज है अंडर 25,000 जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। Redmi Note 12 Pro 5G मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा खासा फोन है जिसको आप अंडर 25,000 कैटेगरी पर कंसीडर कर सकते हैं। यहां पर आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली एक AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की हाईर रिफ्रेश रेट, और देखिए दोस्तों ये कर्व्ड डिस्प्ले नहीं है, ये फ्लैट डिस्प्ले। इस प्राइस पर अगर आपको कर्व्ड डिस्प्ले चाहिए तो Realme 10 Pro Plus 5G अवेलेबल है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि वेट करें क्योंकि जून के महीने में ही इसी महीने के अंदर Realme 11 Pro Plus 5G आने वाला है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ईदर ऑफ द फोन्स आपको जो ठीक लगता है आप ले सकते हो, क्योंकि हम लॉन्च से पहले बनाए तो हमें नहीं पता है कि Realme 11 सीरीज का क्या सीन चल रहा है। एनीवेज उसके अलावा आपको Redmi Note 12 Pro 5G में मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, MediaTek Dimensity 1080 अच्छी चिपसेट है, 5000mAh की बैटरी, 67W चार्जिंग, 50 का रियर कैमरा है, सोनी सेंसर है IMX766 जिसमें आपको OIS मिलता है, अल्ट्रावाइट सेंसर अलग से दिया गया है, 16 की सेल्फी है और ये MIUI 14 एंड्रॉइड 13 और साथ में 25,000 पर 6GB रैम, 120GB स्टोरेज। अगर ऑफर्स लगा लेते हैं मैं तो वही बोलूंगा, तो हो सकता है आपको और भी कम प्राइस पर मिल जाए। Samsung Galaxy M53 5G मुझे लगता है कि 25,000 की रेंज पर ये भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग फोन है अगर आपको ब्रांड वैल्यू ज़्यादा आप मानते हैं। इनफैक्ट देखिए Samsung के फोन्स में ज़्यादातर यही होता है, लोग लेते हैं तो रीसेल वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपके लिए ये फोन है M53 5G, 6.7 इंच की फुल HD प्लस वाली एक सुपर AMOLED प्लस डिस्प्ले। अच्छा डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा है, बहुत ब्राइट है और 120 हर्ट्ज़ की हाई रिफ्रेश रेट है, आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, MediaTek Dimensity 900 एक बहुत ही अच्छी बढ़िया स्टेबल 5G चिपसेट है, 5000mAh की बैटरी है, 25W चार्जिंग। हाँ यहाँ पर Samsung कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग करता है, उसी के साथ 108MP रियर कैमरा है और यहाँ पर 32MP की सेल्फी है, तो Samsung के आपको इसमें वीडियोस और फोटोज इस प्राइस रेंज पर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। Android 13 One UI 5 तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर अच्छा है। वैसे 6128 26,000 का है बट आपको ऑफर पर कभी कभी 25 तक मिल जाता है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है, ब्रांड वैल्यू प्रेफर करते हैं तो M53 5G आप इसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनल जो फोन है वो है मोटोरोला का एज 30 5G। याद रहे दोस्तों ये जो फोन मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी 25,000 के नीचे है, लेकिन आई थिंक मोटोरोला का एज 40 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसकी अनबॉक्सिंग हमने कर दिया था, वो आपको यहाँ पर देता हूँ कार्ड देख सकते हैं। वो 30,000 की रेंज पर हुआ है और ऑफर पर शायद और भी कम होता है, तो अगर आपको थोड़े पैसे डालकर इससे अपग्रेड कर रहा है तो आप डेफिनेटली वो चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बजट नहीं है 25 के नीचे तो मोटोरोला का ये फोन मुझे लगता है कि अच्छा है विद स्टॉक एंड्रॉइड, जहां पर आपको इसमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस वाली एक बढ़िया POLED डिस्प्ले मिलती है और ये आपको 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ मिलती है, विच इज कंप्लीटली बेस्ट। और यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस मिलता है, एक बढ़िया मिड रेंज मैं कहूंगा स्टेबल चिपसेट है। आपको यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, 50MP रियर कैमरा जिसमें आपको OIS मिलता है और साथ में आपको एक 50MP वाला अल्ट्रावाइट सेंसर भी दिया गया है, 32MP की सेल्फी, मतलब कैमरा देखेंगे तो काफी अच्छा यहाँ पर सेटअप है और साथ में 4020mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग। यही इसका सबसे वीक पॉइंट है कि बैटरी इसमें कम है, हार्डली हो सकता है अगर आप नॉर्मल यूज करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप हैवी यूज करते हैं तो पूरा दिन तो नहीं चलेगा। उसके अलावा स्टॉक एंड्रॉइड ये सबसे अच्छी इसकी खासियत है, 6128 24,000 वैसे इसका हाई 25,000 तक मिल जाएगा, तो अगर आप ऑफर लगाते तो और भी कम प्राइस पर आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वो बढ़िया 5G फोन से इंटरेस्ट है तो आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। हर महीने आएंगे अलग अलग प्राइस कैटेगरी पर आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।